हमारी एक ही कंडीशन है, 300 किलोमीटर हर महीने चलाओ और 10,000 रुपए पाओ। मैं राज के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारी कंपनी लगभग 2 साल से काम कर रही है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही ये एज ए MPS कैशबैक कस्टमर को प्रोवाइड हो। इसमें आपकी जो भी एसेसरीज हैं, फुल्ली एसेसरीज आपको इसमें अटैच हैं। ठीक है, आप स्कूटी लोगे, परचेज करोगे तो आपको इसमें कुछ भी नहीं कराना। GPS ट्रैकिंग सिस्टम, दूसरा अगर आपकी स्कूटी कोई ले भी जाता है, उठा भी ले जाता है, तो हम GPS के थ्रू ट्रैक कर लेंगे सारे। इस बटन को आप 2 बार प्रेस करेंगे और अनलॉक होगी स्कूटी। अनलॉक सेटिंग में आप चला रहे हो तो 75 से 85 का आपको माइलेज देगी। ठीक है, और अगर डबल सेटिंग करते हो तो 65 से 75 का माइलेज। क्या बात है, माइलेज अगर अगर कॉस्टिंग की बात करें सर तो 30 पैसा पर किलोमीटर का कॉस्ट निकल गया। ऑल इंडिया से जो भी हमारी कॉल्स होती हैं, पूरे भारतवर्ष से हमारे पास कॉल्स बसते हैं। ऑल इंडिया में 197 डीलर्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे काम चल रहा है हमारा प्रॉपर, वो सारे ये पिन कोड्स लगे हुए। तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, मैं हूं आपका कुलदीप सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सही दाम पे। तो दाम है सही, इसलिए आपको लेके आए विद्युत मित्रा के पास। तो आज हम बात करते हैं कि आज आपको मिलने क्या वाले, एक नहीं दो दो बेनिफिट दूंगा। दो दो बेनिफिट कैसे, इधर आओ बताता हूँ। ये स्कूटी लाखों रुपये की होती है, आजकल के टाइम पर लाखों रुपये की स्कूटी आती है, 6,000 रुपये मात्र 6,000 रुपये में स्कूटी आपको मिलने वाली। कैसे, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेकंड बेनिफिट, 10,000 रुपये पर मंथ आपको इस स्कूटी के वाया मिलने वाले हैं। इस स्कूटी के वाया 10,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाली है। कैसे, पूरी वीडियो इसके लिए ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया डील्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज की वीडियो करते हैं फिर स्टार्ट। तो नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं सर बहुत अच्छा हूँ, मैं आप बताएं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद बहुत बहुत पूछने के लिए। तो सर सबसे पहले हम आप अपने ऑफर के बारे में बता दीजिए सर। देखिए, 10,000 पर मंथ हमें कैसे मिलने वाले सर? देखो, 10,000 पर मंथ आपको कैसे मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। स्कूटी आपको एक सिक्योरिटी पे परचेज करनी है। अच्छा, उसके बाद आपको जो है हर महीने स्कूटी 300 किलोमीटर चलानी है। 300 किलोमीटर आप चलाओगे और कंपनी का जो मेन मोटिव, मतलब कि स्कूटी हम चलाएंगे हम, बिल्कुल, और हमें ही मिलने वाले 10,000 पर मंथ, आप ही को मिलेगा 10,000 रुपए पर मंथ सर, देख लो। अच्छा, ऐसा पीछे इससे राज क्या है? पीछे 10,000 पर मंथ हर कस्टमर को मिलने वाला, ऐसा क्या राज है सर? देखो, मैं राज के बारे में अगर मैं बताऊं तो हमारी कंपनी लगभग 2 साल से काम कर रही है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही ये एज ए MPS कैशबैक कस्टमर को प्रोवाइड होता है। अच्छा, कैशबैक मिल रहा है? यस सर, 10,000 का जी। क्या बात है सर, और ये कैशबैक इस वजह से मिलता है क्योंकि आपको सर पता ही होगा कि EV व्हीकल से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और हमारी कंपनी जो काम कर रही है वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। अच्छा, तो जिसके तहत ही कस्टमर जो है ये चलाएगा तो नो पोल्यूशन जोन है, नो पोल्यूशन है, इस वजह से कस्टमर को एज अ एप्रिसिएशन के तौर पर ये MPS कैशबैक दिया जाता है। क्या बात है, मतलब दो के साथ आपने एक तीसरा बेनिफिट और जोड़ दिया कि आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूटी मिलने वाली। तो सर 6,000 की स्कूटी हमारे कस्टमर्स को कैसे मिलने वाली है, आप जरा इस पे थोड़ा सा ब्रीफ दें। सर 6,000 की स्कूटी तो है, 6,000 इफेक्टिव कॉस्ट है स्कूटी। अच्छा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो कस्टमर को 2,01,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका कंपनी से प्रॉपर 5 साल का रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं। ठीक है, हमारी एक ही कंडीशन है, 300 किलोमीटर हर महीने चलाओ और 10,000 रुपये पाओ। ठीक है, उसी के साथ ही जब रजिस्ट्रेशन होगा तो 1,95,000 का आपको 3 साल बाद का PDC चेक देती है कंपनी। अच्छा, पोस्ट डेटेड चेक आपको मिलने वाला है। जी, उसके बाद आपको 195, आपको 3 साल के बाद आपको रिफंडेबल मिल जाएंगे। और इफेक्टिव कॉस्ट, जी सर, इफेक्टिव कॉस्ट जो निकल के आती है वो 6,000 है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में आपको 2,01,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये मॉडल्स की बात करें, ये दोनों अलग अलग मॉडल्स रहने वाले हैं? ये हमारा प्रो प्लस मॉडल है और इस मॉडल का नाम है NV मॉडल, और दोनों की इफेक्टिव कॉस्ट जो रहेगी, हां दोनों की इफेक्टिव कॉस्ट वही है 6,000। ठीक है, मॉडल्स की एक बार बात कर लें कि मॉडल कैसे मिल रहे हैं, किस कंडीशन में मिलने वाले हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। देखिए, मॉडल जो हमारे हैं ये प्रॉपर आपको फुल्ली अपग्रेडेड है। ठीक है, इसमें आपकी जो भी एसेसरीज हैं, फुल्ली एसेसरीज आपको इसमें अटैच हैं। ठीक है, आप स्कूटी लोगे, परचेज करोगे तो आपको इसमें कुछ भी नहीं कराना है। अच्छा जी, बस आप लेके जाओ और इसको चलाओ। अच्छा जी, ऐसा भी है
सर कुछ फिर फीचर्स की बात कर लें, क्या क्या मिलने फीचर्स वाले? की बात अगर मैं करूंगा तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल के टाइम में फीचर्स है, ठीक है, आजकल सर गाड़ी ना चोरियां बहुत होती है। जी जी, जैसे दिल्ली की बात करें तो पार्किंग में से गाड़ी चली जाती है, तो मोस्ट अपग्रेडेड फीचर्स इसमें जो है एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम। अच्छा, एंटी थेफ्ट अलार्म मिलने वाले? स्कूटी लॉक है जो एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम है, अभी मैं उसका प्रॉपर आपको जो है लाइव डेमो भी करके दिखाऊंगा। क्या बात है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम दूसरा, अगर आपकी स्कूटी कोई ले भी जाता है, उठा भी ले जाता है, तो हम जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर लेंगे सारी कहाँ पे है। स्कूटी के अंदर जीपीएस इनबिल्ट मिलने वाला है? जीपीएस इनबिल्ट है सर। मैंने आपको एक फीचर्स बताया था अभी, आपको मैंने ऑफिस में एक फीचर बताया था रिमोट ऑपरेटेड फीचर। जी जी। तो सर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं तो क्या होता है ना, कभी कभी हम की भूल जाते हैं। ठीक है, हम 6th फ्लोर पे रह रहे हैं, की भूल गए हम, बाई चांस की बात है की भूल गए, बट हमारे पास अपना वाला रिमोट रह गया जेब में। अच्छा, तो हमारी स्कूटी में जो फीचर्स है, इस बटन को आप 2 बार प्रेस करेंगे और अनलॉक होगी, स्कूटी अनलॉक होगी। क्या बात, कहीं भी ले जा सकते हो आप इसको, तो इसे लॉक भी ऐसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो कार्स वाला फीचर है आपने स्कूटी के अंदर प्रोवाइड कर दिया। अभी तो मैं बोल रहा हूँ फुल्ली अपग्रेडेड फीचर्स के साथ हमारी स्कूटी है। क्या बात है, मेरे हिसाब से मल्टी फंक्शनल भी रहने वाली है। बिल्कुल सर। आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फाइनेंशियल की बात करें, 2 फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको हम पहले से गिनवा चुके हैं। बिल्कुल, प्लस फीचर्स भी आपको अनलिमिटेड इसमें, मतलब मल्टी फंक्शनल फीचर है। तो सर मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये इसमें आपको एक नॉर्मल स्टोरेज जैसा होता है ना सर, अच्छा, वैसा ही स्टोरेज इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये नीचे इसकी कुछ और ये हमारा ना इसमें बैटरी ले, अच्छा बैटरी है, ये बैटरी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बैटरी की बात करें सर आप, सर बैटरी की, हाँ बैटरी की अगर बात करते हैं तो इसमें लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, 60 वोल्ट 26 एम्पियर। अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर बात की जाए मोटी मोटी माइलेज कितना दे देगी सर? सर माइलेज की बात करें तो 4.5 घंटे की अगर आप फुल चार्ज करते हो, अगर सिंगल सिटिंग में आप चला रहे हो तो 75 से 85 का आपको माइलेज देगी। ठीक है, और अगर डबल सिटिंग करते हो तो 65 से 75 का माइलेज। क्या बात है, माइलेज अगर अगर कॉस्टिंग की बात करें सर तो 30 पैसा पर किलोमीटर का कॉस्ट निकल के आता है। 30 पैसा पर किलोमीटर। क्या बात है, और आजकल पेट्रोल देख लो कहाँ ऊपर पहुँचा पड़ा है, आप 30 पैसा प्रति किलोमीटर दे। जी बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा आगे हम देखना चाहेंगे क्योंकि आजकल फ्यूचर अब आ रहे हैं, पेट्रोल वाली जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो सारे सारे नीचे जा रहे हैं, अब फ्यूचर ये पूरा होने वाला है। बिल्कुल सर, ईवी व्हीकल ही फ्यूचर है आगे का। जय। और फीचर्स की बात करें सर, अगर आप वो भी दिखाना चाहें तो? और फीचर्स की बात करें तो सब देखो इसमें ये ना आपको मैं बताऊं तो USB चार्जिंग पोर्ट का फीचर्स भी है। USB की चार्जिंग स्कूटी के अंदर? जी। क्या बात कर रहे हो सर, USB चार्जिंग पोर्ट है। अच्छा, जूम करिएगा तो यही USB चार्जिंग पोर्ट है। USB की चार्जिंग भी आपको मिलने वाली है। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। बाकी थोड़ा सा एक फीचर इसमें अपग्रेडेड जो भी है कि आपका ये ना इसमें थोड़ा सा ये गियर मोड, गियर सिस्टम दिया हुआ है। गियर सिस्टम? हाँ जी, स्कूटी के अंदर। जी। अरे तो फिर तो आपने मतलब कह सकते हैं मिनी बाइक बना दिया आपने स्कूटी के छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा अब हम बात करते हैं इस वाले मॉडल के अंदर, उस वाले मॉडल में सब डिफरेंस क्या सर, पहले तो आप ये बताइए सर। सबसे पहले डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, पूरा स्कूटर लुक है, बॉडी लुक भी चेंज है पूरा स्कूटर का हमारे, और लुक तो काफी, इससे तो सर काफी चेंज बहुत बढ़िया है ना। और बाद में ये थोड़ा सा अपग्रेडेड हमने किया हुआ है ये पार्किंग मोड। अच्छा, ये पार्किंग लाइट्स आपको अवेलेबल है, पार्किंग लाइट्स आपको ऑन हो जाएगी, ये रेड वाला आपने जैसे ही बटन दबाया पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट ऑन हो गई। क्या बात है। बाकी अगर मैं हाँ इसमें स्पेस की बात करूँ तो आप स्पेस इसमें देख सकते हो। ठीक है, काफी ह्यूज स्पेस आपको मिलने वाला, स्पेशियस दिख ही रहने वाली है। ठीक, बहुत बढ़िया। और इसके नीचे पूरी आपकी बैटरीज मिलने वाली है, इसकी भी सर सेम बैटरीज होगी अलग अलग? सर बैटरी का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अपग्रेडेड फीचर्स के साथ ही है ये। ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेडेड फीचर, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है प्रो प्लस है तो ये प्रो प्लस है और ये NV मॉडल है। अच्छा ये NV है, सॉरी ये NV आपको मॉडल है तो अपग्रेडेड कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा टायर्स वगैरह की बात करें कैसे मिलने वाला? सर ट्यूबलेस टायर है, बोथ ट्यूबलेस टायर मिलेगा आपको और डबल डिस्क के साथ। ठीक है सर, ये तो हो गया फीचर्स की सारी बात, अब मेन बात करते हैं कि ड्राइविंग के अंदर कैसी फील आती है। सर ड्राइविंग के अंदर अगर आपको फील लेना है तो आपको ड्राइविंग के लिए नीचे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सर चले यहाँ जी, बिल्कुल चले, क्योंकि यहाँ हम ओनली डिस्प्ले पर्पस के लिए है ये। ठीक है, तो हम डिस्प्ले के पर्पस में आपको केवल स्पेसिफिकेशन ही बता सकते हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं फिर ड्राइविंग के अंदर और चेक करते हैं कि ये स्कूटी कैसे चलने वाली है। जी सर, हम बेसमेंट के अंदर तो आ गए हैं, अब हमें यहाँ पे अपने व्यूअर्स को एक तो ड्राइव करके दिखानी है, बट उससे पहले कुछ एडिशनल फीचर्स जो भी आप मुझे बता रहे थे वो भी आप बताइए। सर, एडिशनल फीचर्स में जैसे मैंने आपको शायद ऊपर चार्जिंग पोर्ट नहीं दिखाया था, ठीक है, तो सर ये यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट रहा है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हाँ इसमें जो आपका ये पैर रखने का एक एडिशनल सिस्टम है, अच्छा इसको अच्छा प्रेस करेंगे बट अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा ये बात है सर। तो इधर भी सर कुछ फीचर्स लगे इधर, हाँ हाँ ये सर ये पार्किंग मोड है, जितनी बार आप ऑन करोगे तो पार्किंग मोड हटा के ही आप चला पाओगे इसको। इसके बाद ये USB चार्जिंग पोर्ट, ये तो हमने ऊपर भी एक बार हाँ, देख लिया, देख लिया। बाकी ये रिवर्स का ऑप्शन मैंने दिखाया हुआ है आपको ऑलरेडी, ठीक है, ये आपके गियर मोड सिस्टम है चेंजिंग, तो गाड़ी अपने आप ही रिवर्स भी जाएगी। हाँ आप चला के देख लो। चलिए फिर, बिल्कुल चलिए। तो ड्राइविंग पे अब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी के CEO साहब, तो सर चले फिर गाड़ी पे। बिल्कुल चलो सर, गाड़ी मारो आओ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है सर, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस रहने वाला है सर स्कूटी का। सर लंबा राउंड लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चले फिर, पता चले कि एक्सपीरियंस कैसा है आपका। क्या बात, आ जाओ जी आ जाओ, इस साइड से आओ, राइट साइड से आओ, घुमाओ। अरे बहुत बढ़िया, मतलब सर पता भी नहीं चल रहा है कि मतलब हम कुछ चला भी रहे हैं, इतनी ज्यादा हल्की है ये। और जिसे कह लो ना, कैसा था आपका एक्सपीरियंस पिकअप वगैरह, कैसा सर? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और पिकअप इसका शानदार। तो सर हमने आपका प्रोडक्ट तो देख लिया है, अब हमें बताइए कि आफ्टर सेल्स वगैरह की सर्विसेज कैसे रहने। सर बिल्कुल, बहुत ही बेस्ट सर्विस है हमारी, ऑल इंडिया से जो भी हमारी कॉल्स होती हैं पूरे भारतवर्ष से हमारे पास कॉल्स बसते हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग सेक्शन है, प्रॉपर यहाँ कॉल रिसीव होती है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, प्रॉपर डिटेल बताई जाती है, ठीक है, और सारी जानकारी हमारे कॉलिंग एरिया से कस्टमर को दी जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपके कुछ डीलरशिप वगैरह के कुछ ये भी लगेंगे। सर ये हमारे ऑल इंडिया में 197 डीलर्स हैं, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे काम चल रहा है हमारा प्रॉपर, वो सारे ये पिन कोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो सर अब हम बात करते हैं सर की इस कंपनी के डायरेक्टर साहब से और देखते हैं उनके पीछे इस कंपनी को स्टार्ट करने का मोटिव क्या था। तो साथियों ये तो था प्रोडक्ट जो कि हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर साहब से और देखते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। तो सर सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आपका इस प्रोडक्ट के पीछे मोटिव क्या था, क्या विजन रहा आपका? जी मोटिव यही है कि कैसे भी अपने इस आसपास के इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, और साथ ही इसको हेल्दियर और सिक्योर बनाया जा सके, और साथ ही किस तरीके से लोगों को भी इस एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए एक बेनिफिट मिल सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कूटर के प्रोडक्ट के वाया आप ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण दोनों से आपको ये स्कूटर का फायदा मिलने वाला है। अच्छा सर, अगर हम बात करें डीलरशिप की, आप वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी डीलरशिप के मैं डिटेल्स में तो आपको हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम बता देगी, पर छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको कि कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बहुत कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करना है या कोई बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए, एक छोटा सा ऑफिस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप एक काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, और आप खुद का एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो साथियों आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।